जिज्ञासु पुरुष न्याय परायण होता है, सत्य प्रेमी होता है। पिता का मन गुरुजनों का आज्ञाकारी होता है और निर्भय होता है और विवेक वैराग्य संपन्न होता है, निर्भय होता है और वो तीनों शरीरों के जो भोग हैं उनका त्याग करके रह सकता है। मृत्यु को भी वो दृश्य के रूप में देखता है। मृत्यु जिसका दृश्य है उसके हृदय में तत्वज्ञान का आविर्भाव हो रहा है, स्वयं मृत्यु भी उसकी पूजा करता है, उसका सत्कार करता है मृत्यु भी। तो तीन रात्रि पर्यंत भूखे रहना माने अविद्या की जो तीन वृत्ति हैं सात्विक राजस तामस, इनके किसी भोग को न चाहना और मृत्यु का दर्शन माने अभाव का दर्शन। ये जो प्रपंचा भाव है ये मृत्यु का, ये तत्वज्ञान का उपदेश करता है। मृत्यु के द्वारा उपलक्षित प्रपंच का अभाव ज्ञान देता है, ये वेद के निरूपण की एक शैली है। यमराज ने नचिकेता के सामने बड़े विनय से कहा, नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्तिमेस्तु तस्मात् प्रतिप्रीम वरान् गृणीष्व। तुम्हें नमस्कार है भगवान, मेरा भला हो, इस अपराध से मेरी रक्षा हो। एक एक अपराध के लिए एक एक रात्रि तुमको भूखा रखने के बदले मैं तुम्हें तीन बार देना चाहता हूं, मान लो। तो इस प्रसंग में तो श्री शंकराचार्य भगवान ने कुछ विशेष चर्चा नहीं की। गीता भाष्य जो तीसरे अध्याय में और बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय में इस प्रसंग को उन्होंने उठाया और ये प्रश्न उठाया, ब्रह्मसूत्र में भी और गीता में उपनिषद तो यह है कि यमराज तो तत्वज्ञानी थे, तत्वज्ञानी न होते तो नचिकेता को तत्वज्ञान का उपदेश कहां से करते। तत्वज्ञानी का अर्थ ये होता है कि जो अपने को व्यक्ति रूप से स्वीकृति न देता हो, अपने को है ना तत्व रूप से जानता हो, तत्व में व्यक्ति रूप से न जानता हो, तत्वज्ञ उसको बोलते हैं।
जैसे घड़ा अपने को घड़े के रूप में न जाने, मिट्टी के रूप में जाने, इसको तत्वज्ञान बोलेंगे हम। घड़े को तत्वज्ञान हो गया, ये बात कब मानी जाएगी? जब घड़ा अपने को घटक व्यक्ति के रूप में, बड़ा पेट और छोटा गला है ना, और पानी रखने की जगह ऐसा न मान के अपने को मृतिका के रूप में जानेगा, अनारोपिताकार, घटाकार का आरोप नहीं और घट नाम का आरोप नहीं। यदि ऐसी मिट्टी के रूप में घड़ा अपने को जान जाए तो वो तत्वज्ञ हो गया, माने अपने तत्व को जान गया। ऐसे ये जो जीवक व्यक्ति है ना, जीवक व्यक्ति ये तो चैतन्य है, घटक व्यक्ति तो है ना पार्थिव है, और ये जो जीवक व्यक्ति है ये तो चैतन्य है। तो ये चैतन्य व्यक्ति अपने नाम और अपने रूप का अपवाद करके और अपने को व्यक्तित्व शून्य, जातित्व शून्य, कर्तृत्व भोक्तृत्व लेख शून्य है ना, परिच्छिन्नत्व शून्य, स्वयं प्रकाश ब्रह्म चैतन्य के रूप में, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न पर ब्रह्म तत्व के रूप में जब अपने को जान जाता है तब उसको तत्वज्ञ बोलते हैं। तो हे जीव चैतन्य, तुम अपने को ब्रह्म चैतन्य के रूप में जानते हो कि नहीं? नहीं तो घड़ा अपने को घड़ा जानता है, पानी भरना उसका काम है ना, और घड़ा जब अपने को माटी के रूप में जानता है तो पानी भरना उसका काम नहीं है, वो तो निर्मुक्त है, उसका नाम रूप पानी भर रहा है, वो थोड़ी पानी भर रहा है, कल्पित नाम रूप पानी भर रहा है, वो पानी नहीं भर रहा है। धूल भरो कि पानी भरो, गंगा जल भरो कि शराब भरो, है ना, ये उसके नाम रूप में ही शराब भी है और गंगा जल भी है, उसके तात्विक रूप में न शराब है न गंगा जल है। अपने आप को नाम रूप के आरोप से शून्य स्व तत्व के रूप में जाना कि नहीं जाना, ये सवाल। बोले जमराज ने तो अपने को जान लिया कि हम जमराज हैं, नहीं है, हम तो ब्रह्म हैं। तो जब व्यक्ति रूप से अपने को वो नहीं जानते हैं तो ये व्यक्ति का ही तो धर्म है या जाति का ही तो धर्म है, जब अतिथि उसके घर में आवे तो उसका सत्कार करे और सत्कार न करे तो उसकी हानि, ये तो व्यक्ति का धर्म है, ये तो समाज का धर्म है, ये तो संप्रदाय का धर्म है, ये तो मानव जाति का धर्म है। इस धर्म से लेप जमराज को कैसे होगा? शंकराचार्य भगवान ने गीता में भी और ब्रह्मसूत्र के भाष्य में भी ये प्रश्न उठाया है ना, तो इसका उत्तर वो ये देते हैं कि तत्व ज्ञान होने पर भी जैसे एक व्यक्ति की उम्र 50 बरस की या 100 बरस की रहती है, वैसी तत्व ज्ञान होने पर भी जमराज जिस हृदय पर काम कर रहे हैं, जिस पद पर, वो कर्माध्यक्ष के पद पर काम कर रहे हैं, पुण्य कर्म के अनुसार पुण्य का फल देना, पाप कर्म के अनुसार पाप का फल देना, वो कारक हैं, कारक पुरुष हैं, माने अधिकारी हैं। एक अधिकारी पुरुष अपने को है ना मनुष्य जानता है, इससे क्या हुआ, वो यदि जज के पद पर बैठा हुआ है तो जज के कर्तव्य को पूरा करेगा कि नहीं करेगा? ये तो इतना ही है ना, जैसे एक ब्राह्मण हिंदू तो है लेकिन हिंदू होने पर भी वो अपने ब्राह्मण पने के कर्तव्य को पूरा करता है कि अपने को हिंदू जानने से ब्राह्मण पने के कर्तव्य को छोड़ देता है? चलो भाई, एक मनुष्य है वो अपने को हिंदू मानता है तो क्या अपने को मनुष्य जान लेने से हिंदू पने का कर्तव्य छोड़ देता है? एक विश्व का नागरिक है लेकिन वो भारतीय है तो क्या विश्व का नागरिक होने से भारत राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य होगा उसको छोड़ देगा? इसी को बोलते हैं कारक पुरुष। एक हिंदू में और एक मनुष्य में जितना फर्क है, जीव और ब्रह्म में भी उतना ही फर्क है।
अपने को छोटे दायरे में हिंदू मानते हैं और बड़े दायरे में अपने को मनुष्य मानते हैं, अपने चैतन्य को शरीर की उपाधि से मानते हैं तो जीव मानते हैं और शरीर की उपाधि छोड़ देते हैं तो अपना नाम ब्रह्म है। केवल उपाधि को स्वीकार करने से ही जीव और ब्रह्म का भेद है, जैसे हिंदू और मनुष्य का भेद है, जैसे ब्राह्मण और मनुष्य का भेद है। ऐसा तो है तो मनुष्य लेकिन हिंदू संप्रदाय में है ना, है तो मनुष्य परंतु ब्राह्मण वर्ण में है ना, है तो ब्राह्मण वर्ण परंतु संन्यास आश्रम में है। ये सब होते हुए भी उसकी मनुष्यता में कोई बाधा पड़ती है? सन्यासी होने से क्या मनुष्य नहीं रहा? ब्राह्मण होने से क्या मनुष्य नहीं रहा? हिंदू होने से क्या मनुष्य नहीं रहा? इसी प्रकार जीव का जो कर्तव्य है इसका पालन करते हुए भी क्या ब्रह्मत्व में कोई बाधा पड़ गई? तो जमराज जो है वो कारक पुरुष के पद पर अपने जिस हृदय पर बैठे हुए हैं। एक जज था, एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत बुरे मुकदमे में उसका बेटा फंस गया और मुकदमा उसी की अदालत में आया। नाराज तो जज की हैसियत से उसने अपने बेटे की सजा की और घर जाके अपनी पत्नी के पास बैठ के रोने लगा कि आया हमारे बेटे की सजा हो गई। बोले ये बात क्या है भाई है? बोले देखो पिता की हैसियत से यहां रो रहे हैं और जज की हैसियत से सजा दे के आए हैं। तो तत्व दृष्टि से ब्रह्म है और आधिकारिक दृष्टि से यमराज जो है वो कर्माध्यक्ष के पद पर पाप और पुण्य का फल देने के लिए बैठा हुआ है। इसलिए आदर्श की दृष्टि से यद्यपि यमराज को किंचित भी प्रत्यवाय नहीं है, पाप नहीं है, पुण्य नहीं है, अधोगमन नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, यमराज को है ना, यमराज को मरने के बाद नरक में नहीं जाना है, यमराज का पुनर्जन्म नहीं होना है। ये यमराज कभी कभी तत्वज्ञ होता है, सब यमराज तत्वज्ञानी नहीं होते, कोई कोई यमराज तत्वज्ञ होता है। नारायण तो प्रत्यवाय उसको बिल्कुल नहीं है। प्रत्यवाय शब्द का अर्थ होता है प्रति माने उल्टा, अव माने नीचे, अय माने गमन, है ना। जिधर जाना हमारा लक्ष्य है उससे उल्टे और नीचे की तरफ यदि हम चलने लग जाएं तो उसका नाम प्रत्यवाय होता है। जिससे प्रतीप और अव अयन होवे उसका नाम प्रत्यवाय और अभ्युदय। अभी माने अभिमुख, जिधर हम जाना चाहते हैं, और उत माने ऊपर, अय माने अयन, अभ्युदय माने अपने लक्ष्य की ओर ऊपर की ओर जाना, इसका नाम अभ्युदय, और उल्टी दिशा में नीचे की ओर जाना इसका नाम प्रत्यवाय। प्रत्यवाय और अभ्युदय ये परस्पर विरोधी शब्द हैं, बोलो। तो तत्वज्ञानी को प्रत्यवाय नहीं होता, ये बात बिल्कुल पक्की है। पर जिस कर्माध्यक्ष पद पर बैठे हुए हैं जमराज, यदि वहां वे अतिथि का सत्कार न करें तो आदर्श बिगड़ता है, दूसरे लोग भी अतिथि का सत्कार नहीं करेंगे। इसलिए लोक संग्रहार कि जब वे ऐसा करेंगे अतिथि का सत्कार और उसको आवश्यक बतावेंगे तो संसार के दूसरे लोग भी अतिथि सत्कार करेंगे। इसके लिए उन्होंने अतिथि के प्रति ये आदर दिखाया, नमस्ते सुब्रह्मण, हे ब्रह्मण तुमको नमस्कार है, स्वस्ति मेस्तु, मेरा कल्याण हो। तीन अपराध के बदले तीन वर लो। अब नचिकेता पहला वर मानते हैं, शांत संकल्प सुमना यथा स्याद गीत मंगर गौतमो मृत्यो स्वृष्टम माभिदे प्रतीत एकत्रयाणाम प्रथमं वरम वृणे। अब नचिकेता यमराज से बोलते हैं पहला वर, वर माने वरण करना हो,
अपना अभिलाष प्रकट करना, हम इसको चाहते हैं। क्या चाहते हैं? तो पहली चीज अपने बारे में नहीं चाहते हैं। देखो, पहली कमाई ब्राह्मण को, माता पिता को, गुरुजनों को, तीन चीज मिलने वाली है नचिकेता को। तो तीनों में से बंटवारा कर दिया, एक वरदान तो अपने पिता के लिए और एक वरदान साधारण जनता के लिए और एक अपने लिए। ये पिता के लिए पहली चीज है। इस पिता के लिए, और उस पिता के लिए जिसने कहा था कि मृत्युवे स्वा ददामी, मैं तुझे मौत के हवाले करता हूं, उस पिता के लिए पहला वरदान। देखो, मालूम पड़ता है ना कि जिज्ञासु है, अपने हृदय में कलुष रखता नहीं और दूसरे के हृदय में कलुष रहने देना चाहता नहीं। वरदान मांगने का मौका आया तो पहली बात यह कि हमारे पिता के हृदय में है ना शांत संकल्प। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो हमारे पिता के हृदय में जो संकल्प है वे शांत हो जाए। क्या संकल्प है? अब देखिए, बहुत ममता है इसके पिता के हृदय में, गौतम के हृदय में बड़ी ममता है। यहां तक कि वो ठीक ठीक तराजू पर अपने धर्म प्रेम को भी नहीं तौल पाते हैं। अपने बेटे के लिए बढ़िया गौएं छोड़ना चाहते हैं और धर्म के लिए घटिया किस्म की गौएं देना चाहते हैं। एक माता मरने लगी तो अपनी बहू को 1,00,000 रुपया दिया हो, अपने बेटे को 5,00,000 रुपया दिया, अपनी लड़की को 50,000 रुपया दिया और अपने गुरु जी के लिए 5 रुपया निकाल कर रख गई थी कि जब मैं मर जाऊं तब उनको दे देना। तो ये बात कल्पना करके आपको नहीं बता रहा हूं, बोला ये बंबई की बात है। तो माने वो देखो कितना आत्म त्याग है कि अपने धर्म के लिए तो उनको कुछ नहीं चाहिए ना। तो लौकिक दृष्टि की, लौकिक दृष्टि की प्रबलता है। अब शांत संकल्प, क्या संकल्प था नचिकेता के पिता के मन में? तो बड़ा प्रेम था, अपने पुत्र से बहुत प्रेम था, उसके लिए वो अपने परलोक और अपने धर्म की गणना भी नहीं करता था। गुस्से में कह तो दिया कि तुम्हें मैं मौत के हवाले करता हूं, लेकिन मरने के बाद उसके दिल की क्या हालत होगी है ना, ये बात नचिकेता समझते हैं कि जिसको इतना मोह था कि अपने परलोक की ओर से दृष्टि हटा के भी हमारे लिए बढ़िया बढ़िया गौएं इकट्ठा करना चाहता था, छोड़ना चाहता था, जो आदमी हमारे मर जाने के बाद किस हालत में होगा है ना, इसलिए पहला वर उसके लिए शांत संकल्प। हाय हाय, मरने के बाद हमारे बेटे का क्या होगा, जमराज उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे, अब ये हमने जो गौएं बचा रखी हैं इनका क्या होगा है? नाना प्रकार के संकल्प जो हमारे पिता के मन में उठ रहे हैं वे शांत हो जाएं। ये संकल्प जो उठते हैं वो हमारे साधुओं का तो ऐसा कहना है कि संसार में जो सम्यक की कल्पना होती है ये चीज बहुत बढ़िया है, इससे आगे हमको बहुत सुख मिलेगा, इससे हमारा बहुत महत्व बढ़ेगा, हमको बहुत जश मिलेगा, हमारी बहुत बुद्धि मिलेगी बढ़ेगी और हमारा जीवन, हमारी आयु बड़ी लंबी हो जाएगी। ये जो सम माने सम्यक तने की कल्पना जो चित्त में है, इससे मनुष्य दुनिया की उन चीजों को जिसके बारे में उसका ख्याल होता है कि ये हमको सुख देंगी,
महत्व देंगी, बुद्धि देंगी, आयु देंगी, यश देंगी, इन इन चीजों के बारे में वो सोचता रहता है। इस संकल्प के कारण, इस संकल्प के कारण मनुष्य अपनी आंख के सामने की वस्तु को ठीक नहीं देख पाता है। कल एक बात हुई, एक आदमी आया तो दो बात उसने कही। एक तो 6 महीने पहले जो उसको तकलीफ हुई थी तो बताई, और एक 6 महीने बाद वो क्या करना चाहता है ये बताए, और 1 बरस के भीतर की कोई बात नहीं की। 10 मिनट में उससे बात की, उसमें से 3-4 मिनट 6 महीने पहले की और 3-4 मिनट 6 महीने बाद की। अब वो हम तो एक बहुत बढ़िया बात सोच रहे थे, सबको हम तो बैठे थे ना, हमारा मन एक बहुत है ना अच्छी बात सोच रहा था, उसमें न झूठ की कोई बात थी न भविष्य की कोई बात थी, हम तो वर्तमान है जो सोच रहे थे। अब उसने महाराज वो झेला मारा कि हमारा एक मन तो 6 महीना पहले की ओर गया और एक मन 6 महीना बाद की ओर गया। अब ये लोग सोचते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान है। तो ये जो संकल्प है, सम्यक जो कल्पना है, ये आपको तो शायद ये बात मालूम होए कि न होए, ये कृपण शब्द भी इसी धातु से बनता है ना। ये कृत जो है ना, कृत, ये कृत धातु तो कई है, ये कृत और कृत है ना, कृपाण भी इसी से बनता है बोला, और कृपण भी इसी से बनता है, और तार्पण भी इसी से बनता है। किंदृप्ति, किंदृप्ति माने कल्पना, सत्य को छोड़ करके कल्पना के राज्य में भटकना और बढ़िया बढ़िया ख्याली पुलाव पकाना, ख्याली पुलाव पकाना। हम तो एक ने कह रखा है ख्याली पुलाव मत बोला करो, लेकिन ये बुरी चीज है, इसको पुलाव ही बोलो है ना, तो बहुत बुरी चीज है। तो अगर इनके संकल्प शांत हो जाए, अच्छा संकल्प तो शांत कर दिए, बोले संकल्प तो सुषुप्ति में भी शांत हो जाते हैं कि नहीं, जब निद्रा में होते हैं तो संकल्प शांत हो जाते हैं, मूर्छा आती है तो संकल्प शांत हो जाते हैं। कोई महाराज एकाध तमाचा जड़ गए कभी, अब आप लोगों को तो बड़े हैं, काहे को है ना, कहे तो इसका अब स्मरण ही नहीं होता होगा। जब कभी माँ बाप एकाध तमाचा बच्चे को मार देते हैं तो एकाध मिनट के लिए तो ऐसा उसका दिमाग ऐसा हो जाता है कि कुछ सूझता ही नहीं है। तो संकल्प शांत होने से ही किसी का अंतःकरण शुद्ध हो जाता हो ऐसा नहीं समझना। जब मन में काम की वृत्ति आती है या लोभ की वृत्ति आती है तो बोले आया संकल्प, आओ शांत कर दें। कैसे शांत करें, बोले नाक दबाओ है ना, हवा रोक लो, प्राणायाम करो, संकल्प शांत हो गया। तो पहले हमको किसी ने बताया था कि मन में कोई बात ऐसी आवे, बुरी आवे, बचपन की बात है, कोई काम की वृत्ति, कोई लोभ की वृत्ति, कोई मोह की वृत्ति मन में आवे तो जरा नाक दबाई, सांस रोक ली तो मन जो है वो ठप हो जाएगा। तो बात तो ठीक है, लेकिन जब फिर सांस छोड़ देते हैं ना तो फिर वही बात आ जाती है, सोच उठते हैं तो फिर वही बात आ जाती है। तो खाली थोड़ी देर के लिए संकल्प को शांत कर देने से काम नहीं बनता। ये जो तुरंत ध्यान लगाने वाले लोग आते हैं ना, बड़ी बड़ी अद्भुत गति है। हम निंदा तो किसी की करना नहीं चाहते हैं बोला, लेकिन आपको सिद्धांत बताते हैं। जो लोग नस दबा के मन को शांत कर देते हैं या आसन पे बैठा के मन को शांत कर देते हैं है ना, या प्राणायाम करवा के मन को शांत कर देते हैं, या कहते हैं कि तुम बैठो हम तुम्हारी ओर देखते हैं तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, या ऐसा कहते हैं कि तुम बैठो हम है ना हम अपने संकल्प से तुम्हारा मन शांत कर देते हैं, आप क्या समझते हैं कि उनके किए आपका मन शांत हो जाएगा?
अगर ऐसी आपकी धारणा है तो बिल्कुल गलत है, बोला वो थोड़ी देर के लिए, जितने दिन देर आप जितनी देर तक प्राणायाम करेंगे, आसन से बैठेंगे, है ना, जितनी देर तक नस के दबाव का असर रहेगा, जितनी देर तक आप ध्यान किए रहेंगे, गांजा पी लेंगे, जितनी देर तक आप अफीम के पिनक में रहेंगे, जितनी देर नींद आएगी, जितनी देर कोई मेस्मराइज कर देगा, है ना, जितनी देर अपने संकल्प से आपके संकल्प को कोई दबा देगा, उतनी देर तक आपका संकल्प शांत हो सकता है, परंतु इससे आप सुमना हो जाए ये बात नहीं होगी। सुमना होना अलग चीज है, बोला सुमना होने का शुष्क मना होना, शुद्ध मन होना। अरे दादा एक नहीं हजार संकल्प उठे, पर अच्छे तो उठे, तो केवल शांत संकल्प होना जो है ये अंतःकरण की शुद्धि नहीं है। सुंदर मन होना, सुंदर मन का अर्थ किया प्रसन्न मन, प्रसन्न तो प्रसन्न मन निर्मल, ये निर्मलता क्या होती है, हे भगवान जैसे आंख से सड़क पर आते जाते लोगों को देखते हैं, तो सड़क पर कोई गरीब आया, कोई अमीर आया, कोई दुखी आया, कोई सुखी आया, कोई मूर्ख आया, कोई पंडित आया, कोई कुत्ता आया, कोई गाय आई, परंतु आंख तो आपकी ज्यों के त्यों है ना, कि आप अपनी आंख नहीं बिगाड़ते हैं, बोले नहीं हमारी आंख कभी कभी लाल हो जाती है, दुष्ट को देखते हैं तो हमारी आंख लाल हो जाती है, बोले आंख लाल नहीं होती, आंख का गोलक लाल होता है, बोला आंख लाल नहीं होती, आंख तो केवल रोशनी है, वो चीज को आते जाते दिखाती है, आप रहते हैं सुलोचन ही, ये जो गोलक है ना वो कुगोलक बन जाता है। अच्छा ऐसे ही अंतकरण का शीशा है, मन का शीशा है, उसमें जो सामने आता है उसकी परछाई पड़ती है, एक आया उसकी परछाई पड़ी, दूसरा आया उसकी परछाई पड़ी, तीसरा आया उसकी परछाई पड़ी, सब चले गए और शीशा तो अपने पास ज्यों का त्यों है। तो आप जो ये समझते हैं कि शीशे में रंग लग गया, लाल साड़ी देखी तो हमारा शीशा लाल रंग का हो गया और हरी साड़ी देखी तो हमारा शीशा हरे रंग का हो गया, सो बात नहीं है, वो अंतःकरण का जो प्रकाशक शीशा है वो ज्यों का त्यों ही रहता है। अच्छा उसके भीतर और चलो अपना ज्ञान है ना, ये तो संस्कार से युक्त ज्ञान को ही असल में अंतःकरण बोलते हैं, तो ज्ञानांश में तो किसी की प्रतिच्छाया पड़ती ही नहीं, वो तो केवल जो जो आकार आते हैं जाते हैं, जो जो नाम आते हैं जाते हैं, वो उसके सामने जैसे रंगमंच पर कई नटी आके नाच जाते हैं और कई नट आके नाच जाते हैं, वैसे ये ज्ञान स्वरूप प्रकाश के सम्मुख कितनी चीजें आती हैं, जाती हैं, नाचती हैं, नुचती हैं। असल में जैसे ज्ञान स्वरूप आत्मा स्वयं प्रकाश और नित्य शुद्ध है, जैसे सूर्य ज्ञान स्वरूप नित्य शुद्ध है, वैसे है ना संस्कार की उपाधि से रंग बिरंगा मालूम पड़ने पर भी ज्ञान स्वरूप अंतकरण नित्य शुद्ध है, और ऐसे नेत्र की उपाधि से है ना लाल पीला होने पर भी असल में ज्ञान स्वरूप जो है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ही है। तो हम जो अपने को अशुद्ध मानने लगते हैं ना, ये अपने राग और द्वेष के साथ तादात्म्य करके तब अपने को शुद्ध अशुद्ध मानने लगते हैं, असल में तो न सूर्य अशुद्ध होता है, न आंख अशुद्ध होती है, न अंतकरण की उपाधि से स्थित ज्ञान स्वरूप चैतन्य अशुद्ध होता है ना। जैसे गोलक की अशुद्धि को हम नेत्र पर आरोपित कर लेते हैं और जैसे विष्ठा की अशुद्धि को सूर्य की रोशनी पर आरोपित कर देते हैं, वैसे ही दृश्य विषय की अशुद्धि को हम अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं, असल में उसके साथ हमारे आत्मा का कोई किंचित भी संबंध नहीं है। इसलिए सुमना होने का अर्थ ये है, सुमन हो जाओ, सुमन फूल खिलता है, फूल का काम तो सुमन, सुमन माने पुष्प, सुमन माने विद्वा, सुमन माने देवता, सुमन सुपर बाण सुमन का, अमर सिंह ने कहा कि सुमन शब्द का अर्थ देवता है, सुमन शब्द का अर्थ फूल है,
सुमन शब्द का अर्थ शुद्ध मन, ये अंतकरण क्या है, एक फूल है, कमल है ना, फिर पद्म है, इसको सुमना खिला हुआ रखो, है ना। जो आए तुम्हारे सामने उसको एक एक आनंद का एक कण तो दे दो, एक किनका तो दे दो। जैसे बिहारी जी में जाता है कोई तो प्रसाद का एक कण दे देते हैं, सायंकाल की आरती में जाओ, सायंकाल की आरती में जाओ तो प्रसाद का एक कण किनका देते हैं, किनका, है ना। वैसे तुम्हारे हृदय में भी तो बिहारी जी रहते हैं, ब्रह्म है कि नहीं, परमात्मा है कि नहीं, है ना। तुम्हारा कोई दर्शन करने आता है इस मंदिर में, कोई परमात्मा का दर्शन करने आता है तो भी भाई श्रद्धालु हो चाहे श्रद्धालु ना हो, है ना, प्रसाद का प्रसन्नता का एक कण तो दे दो, है ना। एक संस्कृत में शब्द है, भागवत में प्रयुक्त है वो, कि श्री कृष्ण को देख करके उनकी पत्नियां क्या करते थे, ऐसा वर्णन है। तो उसमें एक स्माय लव शब्द का प्रयोग है ना, स्माय लव, अंग्रेजी में कोई ऐसा ही शब्द मैंने सुना है लोगों के मुंह से, है स्माय लव। स्माय लव का अर्थ है जरा नेकी मुस्कान, है ना, लव है ना लव, और स्माय है मुस्कान और लव है नेक। ये श्रीमद् भागवत में प्रयुक्त शब्द है, श्री कृष्ण को देखते ही उनकी पत्नियों के मुख पर स्माय लव आ जाता था। स्माय लव आने का अर्थ क्या हुआ कि आनंद जो भीतर है ना, फूल खिल गया, फूल खिल गया, उसकी सुगंध बिखर गई, उसका सौंदर्य प्रकट हो गया। तो तुम्हारे भीतर जहर भरा है कि अमृत भरा है, है ना। अपने से मिलने वाले को थोड़ा अमृत दो भाई, है ना, ये विष का प्रसाद मत बांटो, अमृत का प्रसाद बांटो। तो तुम ना, और जितना जितना बांटोगे उतना उतना वो बढ़ता जाएगा, उतना उतना वो बढ़ता जाएगा। तो शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् वीतमन्युः। वीतमन्युः का अभिप्राय क्या है कि ये जो गुस्सा आता है ना, ये दोष तो माफी मांगते हैं। संध्या वंदन करने में पहले एक बात आती है ना कि मन्युष्टमा मन्युपतयस्य, मन्यु कृतय लिया पापेभ्यो रक्षन्ताम्। आप लोग संध्या वंदन कोई करते होंगे, है ना, हम तो आशा करते हैं कि बहुत लोग करते होंगे, है ना, लेकिन न करते हो ना, तो उसमें एक ये मंत्र आता है, मन्युष्टमा अग्निष्टमा मन्युष्य मन्यु पतयस्क, है ना, मन्यु कृते दिया पापे भी रक्षंताम। हमने जो रात भर में या दिन भर में कोई गुस्सा किया हो ना, सूर्यस्तमा मनुष्य भी है और अग्निस्तमा मनुष्य भी है, प्रातःकाल सूर्यस्तमा मनुष्य और सायंकाल अग्निस्तमा मनुष्य, तो उसका अभिप्राय यह होता है कि अगर हमने किसी पर गुस्सा किया हो और गुस्सा करके क्रोध करके किसी को दुख पहुंचाया हो, तो असल में दुख हमने दूसरे को तो पहुंचाया नहीं है, दूसरे के हृदय में भी बैठा हुआ तो मैं ही हूं। जैसे कोई सूरज पर थूक है तो वो थूक अपने ऊपर गिरता है, वैसे कोई दूसरे के ऊपर जब दुख फेंकना चाहता है ना, तो वो दुख अपने ऊपर ही लौटता है, आज नहीं लौटेगा कल लौटेगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। तुम जो क्रोध करते हो, चाहते हो कि हम आग दूसरे के घर में लगाएं, वो अपने घर में लगेगी, क्योंकि पेट्रोल तो अपने पास भी है, कोई ऐसा तो नहीं है कि दूसरे के घर में पेट्रोल हो, है ना, तो वो तो तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, ये बात बिल्कुल पक्की है। तो इसको चाहे जैसे हो वैसे हटाना। तो बोले भाई हमारे पिता को क्रोध आ गया, मनु आ गया। देखो ऐसे रोज संकल्प पहले करने की पद्धति थी वो, है ना, कि यत् पापमकार्षम मनसा वाचा पदभ्याम हस्ताभ्याम उदरेण शिष्णा, है ना, जो हमने मन से वाणी से हाथ से सांस से पेट से मूत्रेन्द्रिय से जो हमने रात या दिन में कोई अपराध किया हो वो अपराध मिट जाए, ये संध्या बंदन की प्रार्थना में एक प्रार्थना है। हाँ।
तो वो रात्रिकृत और दिवसकृत दोनों के लिए है। तो ये हमारे जीवन में, हमारे हृदय में जो बुराइयां भर गई हैं वो दूर हो जाएं। और हे मृत्यु, जब मैं अपने पिता के पास जाऊं तुम्हारे भेजने पर, तो वो विश्वास करे कि हमारा पुत्र हमारी आज्ञा के अनुसार मृत्यु के पास जा करके और वहां से लौट के आया, मुझे पहचाने, है ना, मेरी सच्चाई को पहचाने और उसका मन प्रसन्न हो, उसके संकल्प शांत हो, उसका क्रोध निवृत्त हो जाए और मुझसे बड़े प्रेम से बातचीत करे। माँ विवदेत प्रतीतहा। एक बात यह है जीवन में ना, हम केवल ठीक रहे व्यवहार में इतने जरूरी नहीं है। कई लोगों को ये अभिमान हो जाता है कि हम जब इतने अच्छे हैं और इतने ठीक हैं तो कोई माने कि न माने हम तो ठीक हैं ही हैं, है ना। ये व्यावहारिक त्रुटि है असल में, कि ये जो है ना अपने अच्छा होने की बात है उसमें अच्छा होना एक गुण है और लोगों का विश्वसनीय होना एक दूसरा गुण है ना। व्यापार तो तब तक चल ही नहीं सकता जब तक, है ना, जब तक हमारी फर्म और हमारा व्यवहार विश्वसनीय न हो। विश्वास, अपने ऊपर विश्वास जमाना, ये भी एक व्यावहारिक सद्गुण है। वो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे ऊपर विश्वास न करती हो तो तुम्हारे अंदर कमी है, भले तुम अच्छे हो लेकिन ऐसी रहनी से क्यों नहीं रहते कि वो विश्वास करे तुम्हारे ऊपर, है ना। तुम्हारा पति तुम्हारी रहनी पर विश्वास नहीं करता, तुम बहुत अच्छे हो, है ना, मान लिया तुम अच्छी हो पर तुम्हारा पति विश्वास नहीं करता, तो तुम्हारी रहनी में कहीं न कहीं त्रुटि होगी, है ना, कहीं न कहीं परस लेके चल पड़े बाबा, है ना। तो पति ने कहा तुम बहुत अच्छी हो, है ना, लेकिन पति ने कहा कि कहां चली गई, अविश्वास हो गया उसके मन में। तो ऐसी रहनी भी चाहिए कि जिससे सामने वाले का विश्वास हो गए, पुत्र के ऊपर, पुत्री के ऊपर माँ बाप का विश्वास हो गए, माँ बाप के ऊपर, है ना, पुत्री पुत्र का विश्वास हो गए, पति पत्नी में परस्पर विश्वास हो गए। जैसे आदमी का अच्छा रहना कर्तव्य है वैसे विश्वसनीय होना भी कर्तव्य है, बोला, विश्वसनीय होना भी कर्तव्य है। तो हमारा पिता हमारे ऊपर विश्वास करे कि हमारा पिता और हमारा पुत्र हमारी आज्ञा से मृत्यु के पास जाकर, है ना, और उनको प्रसन्न करके उनका स्वागत सत्कार प्राप्त करके लौट आया है। हमारा पुत्र जो है वह अत्यंत विश्वसनीय है। एकत्रयाणाम प्रथमं वरं वरणे, तीन वरों में से हम ये पहला वर मांगते हैं। ये वर क्या है, तो बोले यत् पितुः परितोषणम्, ये पिता को परितुष्ट करना, है ना, ये पहला वर ये है कि हमारा पिता परितुष्ट हो गए। तो पिता के संबंध में देखो, एक तो माता पिता वो होते हैं जिनसे जन्म होता है और उन्हीं तरीके और जो दुर्जन है, तो माता पिता केवल व्यक्ति को नहीं बोलते हैं, है ना, ये जो माता पिता के समान वात्सल्य करने वाले हैं ये सब माता पिता की कोटि में हैं। उसमें चाचा भी है, उसमें गुरु भी है, उसमें ससुर भी है, है ना, उसमें और बड़े बूढ़े रिश्तेदार पिता के पिता भी हैं, सब हैं। जिनसे वात्सल्य प्राप्त होता है उनको संतुष्ट रखना। दूसरे देखो नारायण, जिस धरती में पैदा होते हैं ना, धरती भी अपनी माता है, राष्ट्र भी अपनी माता है, राष्ट्र भी अपना पिता है, उसके प्रति भी मनुष्य के मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, है ना। और ये सूर्य रोशनी देता है, चंद्रमा चांदनी देता है, धरती अन्न देती है, है ना, और जल देती है, और वायु से हम, वायु में हम श्वास लेते हैं, आकाश में विचरण करते हैं, ये जो पंचभूत है ना इनके प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए। इनके प्रति कृतज्ञता क्या है, कहीं इनको गंदा न करें। जिस काम से हवा गंदी होती हो, जिस काम से धरती गंदी होती हो,
जिस काम से जल गंदा होता हो वैसा काम आदमी को नहीं करना चाहिए हो। जैसे धरती पर झाड़ू लगाते हैं ना स्वच्छ करते हैं, वैसे जल को भी गंदा नहीं करना चाहिए। जल स्वच्छ रहे, गंगा जी को समुद्र को गंदा नहीं करना, ऐसा वायु को भी गंदा नहीं करना, अग्नि का भी आदर करना है ना। ये तो खुली खुली वायु, खुली खुला आकाश इसके प्रति, सूर्य चंद्रमा इसके प्रति कृतज्ञ होना, और जो सबका एक पिता है परमात्मा उसके प्रति भी कृतज्ञ होना। ये मनुष्य जो है वो अहंकार बस बड़ी शक्तियों का तिरस्कार कर देता है, छोटे का अहंकार और बड़ों का तिरस्कार। एक देह में तो मैं है, और सूर्य का तिरस्कार, चंद्रमा का तिरस्कार, वायु का तिरस्कार, राष्ट्र का तिरस्कार, धरती का तिरस्कार, अपने गुरुजनों का तिरस्कार है ना। बोले इससे क्या होता है, क्या इससे क्रिया शक्ति का लोप हो जाता है। मनु जी ने स्पष्ट लिखा है कि जो अपने बड़े गुरुओं के प्रति कृतज्ञ नहीं होता है उसकी प्राण शक्ति का नाश हो जाता है। ये धर्म का प्रसंग है इसलिए आपको आज सुना दिया, वैसे तो हम जानते हो है ना। अपन केवल ज्ञान भक्ति की चर्चा ही ठीक ठीक कर सकते हैं है ना। कोई कोई सामाजिक सेवा अपने से नहीं बनती है, न राजनीतिक सेवा बनती है बोला। कभी लोग डालने की भी कोशिश करते हैं तो जानकारी नहीं है उस विषय की, अपन क्या कर सकते हैं। तो अपन तो ब्रह्म की बात करो तो तबीयत खिल जाती है, भगवत भक्ति की बात करो तो तबीयत खिल जाती है ना। तो धर्म की ये बात है कि जहां शुद्र में अहंकार करके और अपने बड़े के प्रति अभिनय किया वहां क्रिया शक्ति का ह्रास प्रारंभ हुआ। हवा को गंदी करके फिर सांस लो है ना, पानी को गंदा करके फिर पियो, धरती को गंदा करके वहां बैठो है ना। तो ये जैसे तुम्हारे लिए ही हानिकारक है, इसी प्रकार धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में, एक शरीर को मैं मानने वाला यदि संपूर्ण शरीर के नियंता को, संपूर्ण विश्व के नियंता का तिरस्कार करे है ना, तो वो दुख पाएगा। और जब एक शरीर में से मैं छूट जाएगा है ना, तो उसके पास ईश्वर सब शरीर का मैं बन के नहीं रहेगा। यदि तुम अमैं हो जाओगे तो ईश्वर भी तुम्हारे सामने अमैं हो जाएगा, और जब तुम भी अमैं और ईश्वर भी अमैं तो दोनों एक। लेकिन जब तक तुम मैं रखोगे तब तक ईश्वर के मैं का तिरस्कार करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है, उससे हानि होती है। तो ये पिता का परितोषण माने बड़ों के प्रति विनय रखना, कृतज्ञ होना, पूज्यों की पूजा करना है ना, अहंकार छोड़कर उनके प्रति विनीत होना है ना, उनके हित उनके भले का उनकी सेवा का चिंतन करना। अब इसके बाद यमराज बोलते हैं कि यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औद्दालकी आरुणिर्मत् प्रसृष्ट सुखम रात्रि शयिता वीतमन्युः त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। अरे नचिकेता, यमराज बोलते हैं औद्दालकी ही आरुणिः यथा पुरस्ताद भविता प्रतीतः। तो जब मैं तुमको भेजूंगा ना, मत प्रसृष्ट, मेरे द्वारा भेजे जाने पर तुम्हारे पिता जो हैं वो जैसे पहले तुम्हारे ऊपर विश्वास करते थे और प्रेम करते थे, वैसे ही विश्वास और वैसे ही प्रेम तुम्हारे ऊपर करेंगे, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ेगी। औद्दालकी आरुणिः दोनों शब्दों का प्रयोग करके ये बात बताया, ये बात है यहां बताई हुई कि इनका नाम औद्दालकी है और ये अरुण के पुत्र हैं, अथवा है ना उद्दालक और अरुण एक के तो ये औरत दीर्घजात पुत्र हैं और दूसरे के गोद गए हुए पुत्र हैं। यहां दो पुत्र, दो पिता का
दो पिता का वर्णन आया, अथवा एक ही पिता है एक नाम ही है। बोले कि जब तुम जाओगे उनके सामने तो ये देख करके कि तुम मौत के मुंह से बच के आ रहे हो, अरे पुत्र पर गुस्सा पुत्र पर क्रोध पिता को कब तक रहता है, तो जब तक पुत्र किसी आपत्ति विपत्ति में न फंसे। यदि पुत्र आपत्ति विपत्ति में फंस जाए तो पिता का सारा क्रोध दूर हो जाता है। एक अहमदाबाद का व्यक्ति था, तो वो आके हमसे बारंबार कहे, अहमदाबाद में भी वृंदावन में भी है ना, बड़ौदा में भी आया, बम्बई भी आवे, कि हमारा पुत्र बिल्कुल आवारा हो गया है और बहुत ही बदमाश है, हमको बहुत सताता है, उसको हम बिल्कुल अलग कर देना चाहते हैं। अंत तो गत्वा उसने घर से निकाल दिया, उसको घोषणा कर दी कि इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं, अखबार में छप गया कि पिता पुत्र का कोई संबंध नहीं, उसकी लेन देन से कर्जदारी से ना कुछ। अब वो महाराज अहमदाबाद से आया भाग के बम्बई। अब बम्बई में जिस प्लेस में वो ठहरा था ना, उसने जैसे पार्टीशन कर देते हैं प्लेस में था, और दूसरे के घर में हो गई चोरी, चोरी हो गई तो वही पकड़ा गया कि इसी ने चोरी की है। जब पुलिस पकड़ के उसको ले गई तो महाराज वही पिता और अहमदाबाद से आया और फिर हमारे पास आया कि महाराज कोई देवता की पूजा बताओ, कोई सिफारिश बताओ, कोई है ना, कैसे उस बेटे को कैसे छुड़ा। तो पिता जो है वो पुत्र के प्रति रुष्ट कब तक होता है, कि जब तक पुत्र पर कोई आपत्ति विपत्ति न आए। यमराज ने कहा मृत्यु मुखात प्रमुखतम, अरे उसका गुस्सा तो उसी समय उतर गया जब उसने कह दिया कि तुमको मौत के हवाले करता हूं और तुम मौत के मुंह में चले आए, उसका गुस्सा तो उतर गया। अब जब तुम मृत्यु के मुख से छूट के जाओगे तो वो तो बहुत खुश होगा, स्वाम बद्रीशीवान, जब देखेगा कि आहा ये हमारा पुत्र तो मृत्यु के मुख से छूट करके आ गया है, तो अब गुस्से का तो नाम क्या, सुखम रात्रि सहिता। अरे अभी तो उसको नींद नहीं आती है रात को, बोला तुम्हारी फिक्र में नींद ही टूट गई है उसकी, वो तो तब सुख से नींद लेगा, नींद उसको आएगी तब जब उसका बेटा तुम सुख से उसके पास पहुंच जाओगे। इसलिए ये जो तुम अपने पिता को परतुष्ट करने का वर मांगते हो, ये वर तो मैंने तुमको दे दिया। अब नचिकेता ने दूसरा वर मांगा। दूसरा वर क्या है कि जैसे लोग पुण्य करें, धर्म करें, अग्नि की उपासना करें और सदगति प्राप्त करें, तो ये दृष्टिकोण जो है वो लौकिक कार्य है। एक पिता की भलाई के लिए था और एक लोक की भलाई के लिए था, और तीसरा जो प्रश्न आएगा वो अपनी भलाई के लिए आएगा। तो बोले हमने सुना है ऐसा कि स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्रत्वम न जरया विभेति उभे तीर्थवा असनाया पिपासे शोकाति जो मोदते स्वर्ग लोके सत्वम अग्निम स्वर्ग्य मध्येति मृत्यो प्रब्रूहिताम श्रद्धदानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद्वितीयेन वृणे वरेण। मैंने सुना है कि स्वर्गलोक में कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है माने रोग नहीं होता है वहां। ये स्थूल शरीर जहां तक रहता है, ये लोग है ना, लोगों की कल्पना ऐसी है कि कोई योगी हो जाए तो उसके शरीर में रोग नहीं होता है। अच्छा, या कोई भक्त हो जाए तो उसके शरीर में रोग नहीं होता है। किसी किसी की कल्पना है कि ज्ञानी हो जाने पर शरीर में रोग नहीं होता है। कोई तो कहते हैं कि ज्ञानी होने पर नींद ही नहीं आती है, कोई कहते हैं सपना ही नहीं आता है। वो ऐसी ऐसी मूर्खता की धारणा है ना। कोई कहता है ज्ञानी खाता ही नहीं है, कोई कहता है ज्ञानी तो सांस ही नहीं चलती है, ऐसे बोलते हैं वो, माने मर जाए ज्ञानी, इसका मतलब ये हुआ। तो ये बात ये है कि जो ज्ञान मार्ग के दुश्मन है ना, वो ज्ञानी के बारे में ऐसी ऐसी अफवाह
फैला देते हैं, तो इस चक्कर में नहीं आना चाहिए। जब तक शरीर है ना, स्थूल शरीर, देखो हम अन्न तो खाते हैं, पानी पीते हैं, तो अन्न में और पानी में विकार होता है कि नहीं, तो सड़ता है कि नहीं। अगर बाहर रसोई बना के तुम घर में रख दो तो सड़ेगा कि नहीं, या जौ गेहूं रख दो घर में, चावल दाल रख दो तो वो सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा। तो जैसे वो बाहर सड़ता है, वैसे खाने के बाद शरीर में जाके भी उससे जो चीज बनती है वो सड़ती है। तो जो ज्ञानी अन्न खाएगा बोला पानी पिएगा उसके शरीर में विकार होगा, जो दूध पिएगा तो भी विकार होगा, घी खाएगा तब भी विकार होगा, संसार फल फूल खाएगा तो भी विकार होगा, क्योंकि फल फूल भी सड़ते हैं। तो चाहे ज्ञानी हो, चाहे योगी हो, चाहे भक्त हो, जिसके स्थूल शरीर होता है और जिसके स्थूल भोग की आवश्यकता होती है, उसके शरीर में रोग भी, उसके शरीर में रोग भी होता है। मतलब सूक्ष्म स्वर्ग जो है वो क्या है, बोले वो तो सूक्ष्म शरीर है, वहां तो सूक्ष्म शरीर होता है। तो सूक्ष्म शरीर में शारीरिक रोग नहीं होते हैं। और वहां भी सुनते हैं कि अग्नि को अजीर्ण हो गया, अगर अग्नि को अजीर्ण हो गया तो जैसे यहां रोग, और ये रोग तो हैं ज्वर आदि जो रोग हैं, वो तो उस लोक में मूर्तिमान होकर के निवास करते हैं, बोला वहां भी दाह होता है, वहां भी है ना, पर स्थूल शरीर निमित्त तक जो रोग होते हैं वो वहां नहीं होता, बुढ़ापा नहीं होता, बोला वहां खाने के लिए दांत की जरूरत ही नहीं है, वहां पचाने में अकड़ी को कोई काम करना ही नहीं पड़ता। और जिस वस्तु की जरूरत मालूम पड़ती है वो चाहने मात्र से ही उपस्थित हो जाती है, इसलिए वहां भय नहीं है। और मृत्यु भी स्थूल शरीर की जैसे यहां होती है वैसे वहां नहीं होती है। न तत्र त्वम, वहां तो कर्मक्षय हुआ, कर्मक्षय हुआ, कर्म से के वेग से बना हुआ जो वासना शरीर है वो शिथिल पड़ा और फिर सूक्ष्म शरीर छूट के दूसरा हो जाता है। न जरया दुभेती, वहां बुढ़ापा भी नहीं आता है। उभे तीर्थवा असनाया पिता से, क्योंकि वहां असनाया, असनाया माने भोजन हो, है ना, वहां भोजन नहीं है। और पिपासा प्यास भी नहीं लगती है, भूख नहीं, प्यास नहीं, बुढ़ापा नहीं, रोग नहीं और लौकिक मृत्यु नहीं, और वहां शोक मोह भी नहीं होता है। बड़ा आनंद आता है सुनते हैं स्वर्ग में, तो वो स्वर्ग कैसे मिलता है, क्या चीज है। तो ये जो यहां वर्णन है स्वर्ग का, इसको आप ये नहीं समझना कि उपादेय रूप से वर्णन है, ये जब आगे नचिकेता तीसरा वर मांगेंगे कि हमको आत्मज्ञान का उपदेश करो, तो साफ मालूम पड़ेगा कि ये विद्या जानने से अभी उनको संतोष नहीं हुआ है। और लौकिक, कोई भी लौकिक और पारलौकिक संपत्ति प्राप्त करने से नचिकेता को संतोष नहीं हुआ है। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए जैसे लोक के भोग छोड़ने पड़ते हैं, वैसे परलोक के भोग से भी वैराग्य करना पड़ता है। वो सूक्ष्म शरीर जिसमें रोग नहीं, जिसमें मृत्यु नहीं, जिसमें बुढ़ापा नहीं, जिसमें भूख नहीं, जिसमें प्यास नहीं, जिसमें शोक नहीं, अगर ऐसा सूक्ष्म शरीर भी मिल जाए और वो मनमंत्र भर के लिए मिल जाए, वो कल्प भर के लिए मिल जाए, तब भी मोक्ष प्राप्ति से अथवा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होने से जो यहां सुख और शांति साक्षात अपरोक्ष मिलती है उसकी बराबरी वो नहीं कर सकता। तो ये वर्णन जो आ रहा है, ये वैराग्य करके परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो, ये बताने के लिए ये प्रसंग आ रहा है। अब कल सुना हो।